भाई देखना यहाँ पे बिल्डिंग गिराई है इन लोगों ने। यहाँ देखो क्या हाल हो रखा है। सबने मेरी आधी गाड़ी कटवा के लगा रखी है बहुत मतलब। वेलकम बैक टू आवर चैनल। और अभी आपको देख के पता चली गया होगा कि आपको क्या देखने को मिलने वाला है आज अपने चैनल पर। और आज हम जा रहे हैं बहुत ही अच्छी जगह जो कि मतलब एक ये लगा लो बाइकर्स के लिए हेवन है, वहीं पे जा रहे हैं हम। और फटाफट चलते हैं, सारा काम हम डन कराते हैं। और ये देखो तुम्हारे भाई का देसी सेटअप है गोप्रो वाला, जो कि इसकी वीडियो भी बस बहुत जल्द आने वाली है और आपको देखने को मिल जाएगी। एक बार बता देना कमेंट करके तुम्हारा भाई लग कैसा रहा है, और मतलब एक बार देख लो ये हेलमेट वाला पूरा सेटअप है। बाकी हम चलते हैं फटाफट से निकलते हैं यहाँ से, और अभी टाइम हो रहा है 2, तो मिलते हैं गाइज आपको वहीं पे जाके और मैं आपको दिखाता हूँ। और अभी सारे बाइक के सिनेमैटिक्स एंड ऑल सब इन्जॉय करना। और ये है आपके भाई का गोप्रो गोप्रो सेटअप गाइस, मतलब बहुत सही लगा मुझे। मैं आपको दिखाऊंगा, पूरी वीडियो बनाई है मैंने इसकी इन डेप्थ कि इसका कैसा क्या है, कैसे यूज्ड है, कैसे रिव्यू है, मतलब जो भी है और कितनी स्टेबिलिटी है क्या है, सब कुछ डाल रखा है उस वीडियो के अंदर। आप प्लीज़ वो भी चेकआउट कर लेना, लिंक जो है आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। अब मिलते हैं फटाफट से बाइक पे। ओके गाइस, जी आ चुका है अपना दोस्त, रस्ते में मिला। चल यहाँ से निकल रहे हैं हम ड्रीम टू हेवन फॉर बाइकर्स। अभी इंडिया गाइस देखना यहाँ पे बिल्डिंग गिराई है इन लोगों ने। यहाँ देखो क्या हाल हो रखा है, ईंट गिर गया सर पे, ईंट गिर गया सर। लड़ाई हो गई, लड़ाई। ये बदतमीज, ये मेरा ग्लव्स पकड़ लिया, अभी रुक जाओ। स्टीव हैंड को नमन है। यार ये देखना सीन, देखो कितना कैड़ा है। ये देखो ये भी अपना फोन निकाल के खड़ा है और तो इतना वीडियो बनाएगा। ये देखो कैसा हो रखा है। चलो और चल ले, आ जा भाई, बहुत गंदा सीन हो रखा है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा है। ये देखो पता नहीं कौन सी बिल्डिंग के रही है इन लोगों ने। सीन ही हो गया यहाँ पे। गाइज अब हम पहुंच चुके हैं करोल बाग, और आप यहां से देख सकते हो कि मतलब यहीं से मतलब सारी की सारी मॉडिफिकेशन स्टार्ट हो गई हैं। साइड में देखो यहां पे दिख रहा होगा आपको मॉडिफिकेशन हो रही है। बेसिकली बाहर जो है ना मोस्टली गाड़ियों की मॉडिफिकेशन होती है, बट अभी हम यहां से सीधा जाके अंदर जाएंगे जो मेन गली है वहाँ पर होती है बाइक की मतलब एकदम जेन्युइन मॉडिफिकेशन। और अभी आपको देखने को मिलेगा कितने अच्छे अच्छे जो मतलब वहाँ पर बाइक्स हैं सब देख। यहाँ पर आपको एक से एक शौकीन बंदा मिल जाएगा मॉडिफिकेशन का, मतलब बेस्ट से बेस्ट मॉडिफिकेशंस करा रखे हैं। और थोड़ा ट्रैफिक हो रहा है, अभी हम चलते हैं आगे धीरे धीरे। और यहाँ से जैसे ही अपन राइट लेंगे वो जो गली आएगी आगे, देखो सौरभ चल रहा है फुल आड़ा टेढ़ा, बट ठीक है। और आप अभी देखने का इस कैसा कुछ रहने वाला है, मैं दिखाता हूँ आपको। और आपको यहाँ पर प्री ऑन कार के भी काफ़ी अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे, और यहाँ पर प्री ऑन बाइक्स भी अच्छे प्राइस में मिल जाती हैं। वैसे तो मैं काफ़ी बार आया हूँ वैसे करोल बाग, बट हाँ अभी बाइक मॉडिफिकेशन के लिए पहली बार ही आया हूँ, तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहने वाला है। स्कूटी मॉडिफाई मैंने करवा रखी है ऑलरेडी, बट बाइक के लिए मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। ट्रैफिक बहुत होता है गाइस यहाँ पे, संडे को तो स्पेशली अवॉइड करना बिकॉज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। और यहाँ पे देखो जैसे मैं फंस चुका हूँ, स्टार्टिंग मतलब मुड़ते के साथ ही गाइस आपको बाइक्स गाड़ियाँ दिखने को स्टार्ट हो जाती हैं। साइड में देखो मेरी ड्यूक खड़ी थी, और अभी आगे चलेंगे। और यहाँ पे सबसे मस्त मेरे को क्या लग रही है, ये जो नई ओला स्कूटी आई है यहाँ पे देखो ये खड़ी हुई है, बेस्ट लगी गाइस मेरे को अभी तक ये देखो। और स्पेस भी बहुत अच्छा है इसका, बहुत ट्रैफिक हो रहा है यार यहाँ पे। अब सीधा वहीं पे मिलते हैं मॉडिफिकेशन के यहाँ पे शॉप पे, जाके मुझे एक्सप्लोर भी करना है कि मुझे कौन सी शॉप से मॉडिफिकेशन करानी है। तो अभी आप वहीं पे मिलो सीधा, अभी ये थोड़े बहुत सिनेमैटिक्स एंजॉय करो, मिलते हैं गाइस सीधा शॉप। हम पहुंच गए करोल बाग, और मैंने ले लिया सिमटेक का 1000 फ्लैशर यहाँ से,
क्योंकि सबसे सही पड़ा है मेरे को। और भैया लगा रहे हैं यहाँ पे, अभी इंस्टॉलेशन चल रही है, यहाँ लग रहा है। और यहाँ पे बहुत सारी बाइक्स भी और सारा काम हो रहा है यहाँ पर। और ये मेरे ख्याल से इंस्टॉल हो चुका है, बल्ब चेंज कराने पड़ेंगे यार, अटैक नहीं हो इसके, अभी करवाता हूँ मैं। बाकी यहाँ पे सब खुला हुआ है, आवाज आ रही होगी, यही है करोल बाग की पहचान। अभी अपने पे कैश नहीं था तो कैश निकलवाने जाना पड़ रहा है यार, यहाँ पे कैश वाली बहुत सारी तो अपना कैश लेकर आना भाई, बहुत शोर है, अपना कैश लेकर आना, वरना तो ATM में भी बहुत लंबी लंबी लाइन है। देखो फाइनली गाइस अपन कैश निकलवा चुके हैं, बहुत जाना है। एक चीज़ दिखा दो, ऐसा अपनी पूरी आधी गाड़ी कटवा के लगा रखी ऊपर, बहुत मतलब यूनिक यूनिक चीज़ मिल जाती है यहाँ पर। अगर आप लाजपत यहाँ पे आ रहे हो करोल बाग, सॉरी आई डोंट नो व्हाई लाजपत निकल गया, पता नहीं कैसे। और यहाँ पे राइडिंग जैकेट्स वगैरह मिल जाएंगी और ये सब है, कार मॉडिफिकेशंस भी चल रही हैं। अभी तो हम फटाफट निकल रहे हैं यहाँ से, उन बेहो कैश देना और बल्ब इंस्टॉल करवाने हैं, फिर अपना हजार वाला काम हो जाएगा। देन सीट कवर का देखना है अभी, लेट्स सी कैसा कुछ रहता है। भैया गए हुए अभी बल्ब लेने, बल्ब नहीं मिल रहा है इसका इंडिकेटर वाला, और सही बताऊँ तो मैंने खुद ही खोल दिया अभी यहाँ पे ये वाला पूरा सेटअप, और मैं खुद ही बल्ब लगा लगा के देख रहा हूँ। अभी मैंने ये लगाया बट इसकी ना वो जो फ्लैशिंग है ना वो इतनी अच्छी नहीं लग रही, बाकी इनकी दुकान है। बट गाइस ये है कि प्राइस जो है पूरी मार्केट सबसे सस्ता अभी यही दे रहे हैं, लेकिन ये देखो यार ओके रिपोर्ट, हाँ लेकिन ये जो है क्या कहते हैं, बट थोड़ा टाइम टेकिंग है, बट सही है बंदे, बढ़िया है मतलब ठीक है, काम वाम भी बढ़िया कर रहे हैं। और अभी देखते हैं लेट्स सी कहाँ जाना है, क्योंकि इसमें सीट कवर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी लगवाना तो मुझे 4-5 से थी, बट यार मेरे को सुबह जल्दी आना चाहिए था, बट बहुत लेट आया, ऑलमोस्ट 3 बज गए थे मेरे को आते हुए, तो इसलिए अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं फटाफट सारे काम करा। एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना ये लग क्या था, ये वाइजर अभी टेम्परेरी लगा हुआ है, हिल रहा है, हल्का सा मूवमेंट है, मगर एक बार ये देखो कुछ ऐसे कुछ ओवरऑल लुक आ रही है, नंबर प्लेट हट गई है, वो मैं नीचे प्लेस करा रहा हूँ यहाँ पे ऐसे वाली, जो कि बहुत ही ओके लगती है। बाकी यार यहाँ से तो लुक मतलब इनहेंस तो हो गया है नो डाउट गाइस वाइजर से। और ये देखो ऐसा कुछ लुक आ रहा है ओवरऑल, अभी मैं दिखाऊंगा आपको पूरा। और ये भाई लगा रहे हैं, ये पत्ती है जो इसकी सपोर्ट पर लगेगी, अभी अभी देखना पूरी इंस्टॉलेशन चल रही है। और भैया बोले आए हैं नंबर प्लेट का, अभी देखता हूँ उसका भी क्या सीन है, ट्राई करके बल्ब आ गए भैया, बल्ब भी आ गया भाई, जितनी देर में लगेगा नहीं जितनी देर में बल्ब लगा देंगे आपको खुला हुआ। बस भैया के बल्ब लेट हैं, बाकी सारा कुछ टाइम पे है, पता नहीं क्यों नहीं ला रहे हैं बल्ब, यहाँ वाले बल्ब चाहिए अभी, जल्दी से आ जाए एक बार। और इसकी लाइट की लुक्स तो बढ़ गई इससे, यहाँ पे अपन लिखवा लेंगे अपना यूट्यूब का नाम, जो कि बहुत डिसेंट लगने वाला है, वो तो अपने यहीं से लगवा लेंगे, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी देखते हैं यहाँ पे नहीं तो पीछे कहीं पे जहाँ पे प्लेसमेंट अच्छी हो। बाकी ये ओवरऑल ऐसा है, भाई लगा रहे हैं यहाँ पे, काम चले जा रहा है, मतलब ये है यहाँ पे कुछ कितनी भी देर हो जाए काम नहीं रुक रहा, काम फुल धगड़ तोड़ चल रहा है। देखो यहाँ पे बहुत कुछ सामान है, अपन तो यहाँ से लगवा रहे हैं। देखो गाइस मैं सच बता रहा हूँ, जिन शॉप्स पे ज़्यादा सामान दिखता है वैराइटीज़ होती हैं नो डाउट, लेकिन छोटी वाली जो शॉप्स होती है ना वो भी अरेंज करा देते हैं, ठीक है। तो व्हाट आई फील कि यहीं से ले लेना चाहिए, बेस्ट प्राइसेस मिल जाते हैं मेरे हिसाब से। बाकी गाइस सबकी अपनी अपनी चॉइस है, बाकी देख लो गाइस इंडिकेटर मोड डन हो चुके हैं, एक बार ओवरऑल लुक देख लो, और ऐसी कुछ आ रही है ब्लिंकिंग वाले हैं। बाकी मैं भी आपको दिखाता हूँ, इसमें बहुत सारे मोड हैं, मतलब यहाँ से इसे चेंज करना है। और दिखाते हैं अभी और बहुत सारे मोड है, मैं आपको घर पे जाके सारे दिखाऊंगा। और अभी देख लो भाई इसमें पत्ती लगाने का टास्क है,
बहुत लोग लगवा लेते भाई सर, लेकिन ये ऐसी नकली लगवा लेते भाई। मैं तो ये बोलूँगा जिन भी भैया से लगवाओगे तो मतलब थोड़े ठीक बंदे से लगवाना, और क्योंकि सबसे मेन देख लो पत्ती लगाने वाले डाक से, और भैया इस पर स्प्रे पेंट भी मार रहे हैं अभी के अभी। नो डाउट गाइज में मेहनत तो है, बाकी आप देख लो कैसे लगा रहे हैं भैया। पूरा स्मोकी लगवाया मैंने जो कि मुझे अच्छा लग रहा था, बाकी बस मेरे को ये नहीं पता कि ऐसे राइडिंग वाले में कोई इशू आएगा या नहीं नीचे देखने में या जो भी है, अभी लेट्स सी क्या होता है। बाकी तो ओवरऑल ठीक है। अभी वो आ रहा है मेरे साथ में जो मेरा दोस्त था खाने वाने के लिए लेके, इंडिकेटर वाला यार बहुत ट्रेंडी है, देखो सबने लगवा रखे हैं, तभी तुम्हारे भाई ने भी लगवा ही लिया। मतलब यार होता है पता नहीं क्यों, जिस दिन से मैंने बाइक ली थी ना उस दिन से मेरा बहुत मन था कि इंडिकेटर वाला सीन तो करवाना ही करवाना है एट एनी हाउ, तो वो मैंने करवा लिया। यहाँ पर खड़ी है अपनी वाइट हाउस जो कि रेडी हो रहा है जोरों शोरों से, नॉट फॉर शादी फॉर मी ओनली, क्योंकि इसके ऊपर फिर राइड्स भी आनी है ना बड़ी बड़ी। अभी एक छोटी सी राइड मारी थी उसको व्लॉग नहीं बनाया मैंने, बिकॉज टाइम पे व्लॉगिंग वाला था नहीं ऐसा कुछ सीन, बट स्टिल अभी इसमें आनी है बहुत सुन बहुत सारी अच्छी अच्छी राइड्स। तो गाइस फाइनली अपन अपने गैरेज में आ चुके हैं, और जो पहली मॉडिफिकेशन है मैंने इसका वाइजर लगवाया उसके ऊपर स्टिकरिंग कराई है अपने यूट्यूब की, जो कि बहुत ज़्यादा मैंडेटरी थी। और स्पेशली जो मेरे को बेस्ट पार्ट लगा ये नंबर प्लेट फ्रेम है गाइस, देख सकते हो उसकी फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छी है और ओवरऑल लुक बहुत प्यारी आती है। एंड उसके बाद मैंने लगवाया इसमें लीवर प्रोटेक्टर जो कि बहुत ही ज़्यादा बेस्ट चीज़ है, लाइक एक तो ये आपके लीवर्स को भी प्रोटेक्ट करता है और जैसे भीड़ वगैरह में हाथ लगने से भी बहुत ज़्यादा बचा देता है। और फोर्थ है गाइस इसका ये सीट कवर जो कि ऐसे पूरा कंट्रास्ट के साथ मैच होते हुए लगवाया, विद मैंने कुशनिंग भी करवाई है इसमें जो कि एक्स्ट्रा कंफर्ट कराने के लिए, बिकॉज लॉन्ग राइड्स पे अपने को एक्स्ट्रा कंफर्ट चाहिए होता है। एंड गाइस लास्ट बट नॉट लीस्ट हमने लगवाया है इसमें इंडिकेटर मोड्स जो कि ऑन होने पर बहुत सही लगते हैं गाइस। ये देखो आप सामने से एक बार चेक कर लो कितनी प्यारी लुक आती है ना इंडिकेटर्स की, देखो बहुत सही लगते हैं। इवन दो मतलब ये इंडिकेटर से इतनी ज़्यादा लुक इन्हांस हो रही है, मतलब पीछे से भी बहुत अच्छा लुक आ रहा है, मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको, ये देखो। और यहाँ पे भी मैंने छोटा सा यूट्यूब का स्टिकर लगवा रखा है। थैंक यू गाइस, इसी तरह सपोर्ट कर दो अपने भाई के चैनल को, और मिलते हैं हम जल्दी से किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय गाइस।